त्रिलोकपुर नामक एक सुंदर सा नगर था जहाँ पर लोग माँ दुर्गा की बहुत पूजा करते थे। प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि के उत्सव पर नगर में एक विशाल जागरण का आयोजन होता था जिसमें पूरे नगर के भक्त शामिल होते थे। त्रिलोकपुर नगर के राजा भानु प्रताप बहुत अच्छे स्वभाव के राजा थे। वे जागरण के पश्चात अगले दिन भारी मात्रा में भंडारा बंटवाते थे जिसमें नगर के साथ साथ आसपास के छोटे छोटे गांव के लोग भी सम्मिलित होते थे। राजा भानु प्रताप इस सुख शांति के लिए सदैव माँ दुर्गा को ही धन्यवाद कहते थे। इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि के उत्सव पर माँ दुर्गा के विशाल जागरण की तैयारियां चल रही थीं। महाराज, माँ दुर्गा के जागरण की सारी व्यवस्था हो चुकी है, एक बार आप चलकर सारी व्यवस्था देख लेते। सेनापति विजय सेन, मैं जानता हूँ कि आप सभी इतने वर्षों से माँ दुर्गा के जागरण की तैयारियां करते आ रहे हैं, तो सारे प्रबंध अच्छे ही हुए होंगे, और फिर माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमारे साथ है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। रात्रि का समय हुआ तो सब लोग जागरण के लिए आने आरंभ हो गए। राजा भानु प्रताप और महारानी सुनंदा भी जागरण में आ चुके थे। पंडित जी ने राजा भानु प्रताप और रानी सुनंदा को सर्वप्रथम माँ दुर्गा का पूजन करने के लिए बुलाया। महाराज, जागरण प्रारंभ करने से पहले आइए माँ दुर्गा की आराधना कर लेते हैं। जो आज्ञा पंडित जी, सभी भक्त मेरे साथ एक आवाज में बोलेंगे जयकारा शेरावालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जागरण प्रारंभ हुआ, सब लोग माँ दुर्गा के भजन गा रहे थे और उनकी भक्ति में लीन थे। तभी आकाश मार्ग से कुछ असुर गुजर रहे थे, उन्होंने जागरण की आवाज सुनी तो रुक गए। महाराज, लगता है इस नगर में कोई उत्सव चल रहा है। हाँ, आवाज तो ऐसी ही आ रही है, फिर हमें क्या करना चाहिए। महाराज, बहुत जोरों की भूख लगी है और कितने समय से हमने किसी उत्सव में उत्पात नहीं मचाया, और हम तो असुर हैं, हमारे होते हुए भला कोई उत्सव या धार्मिक कार्य शांति पूर्वक कैसे संपन्न हो सकता है। तुम सब ठीक कह रहे हो, चलो फिर देर किस बात की है, इस उत्सव को तहस नहस कर देते हैं और अपनी भूख भी मिटा लेते हैं। असुर उत्पात मचाने के लिए त्रिलोकपुर नगर में उतर गए। असुरों का भयानक रूप देखकर वहां बैठे लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। पकड़ लो इन सबको और चबा कर खा जाओ, सारे उत्सव को उजाड़ दो, तहस नहस कर दो। भागो भागो, दैत्य आ गए, भागो। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? ये माँ दुर्गा का जागरण है, इस शुभ कार्य को खंडित करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो माँ दुर्गा के प्रकोप को तुम असुर नहीं जानते हो, उनके प्रकोप से कोई पापी नहीं बचता। ऐसी छोटी छोटी बातें करके तू हमें डरा रहा है, तू जानता नहीं मैं राक्षसों का राजा दुर्जनासुर हूं। मेरे से पृथ्वी आकाश पाताल सभी कांपते हैं, तो ये पत्थर की मूर्ति मेरा क्या बिगाड़ेगी। भक्त अपने बचाव के लिए इधर उधर भाग रहे थे, तभी एक छोटी सी कन्या उन असुरों के सामने आ गई। रुक जाओ, नहीं तो तुम्हें अपनी भूल के लिए पछताने का भी अवसर प्राप्त नहीं होगा। तू पिद्दी सी बच्ची हमें रुकने के लिए कह रही है? अरे तुझे तो हम एक चींटी की भांति अपने पैरों के नीचे रौंद देंगे। अच्छा, तुम सब में इतना साहस है, इतनी शक्ति है? क्यों, ये सब देखकर क्या तुम्हें हमारी शक्ति का अंदाजा नहीं हुआ? मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, यदि तुम में इतनी शक्ति है तो मुझे बंदी बनाकर दिखाओ, मुझे तो तभी प्रमाण मिलेगा कि तुम सब असुर महाशक्तिशाली हो। महाराज, ये छोटी सी बच्ची आपको चुनौती दे रही है, शायद ये आपको जानती नहीं है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। महाराज, इसे तो बंदी बना ही लीजिए। तुम ठीक कह रहे हो, मैं इसे अभी बंदी बना लेता हूँ। हे राक्षस राज, ये छोटी सी कन्या है, इसे छोड़ दो, इसकी जगह मुझे पकड़ लो, मुझे बंदी बना लो। महाराज, इस प्यारी सी कन्या को ये राक्षस बंदी बना लेगा, बच्ची को चोट आ जाएगी, ये सब देखा नहीं जा रहा, माँ दुर्गा हमारी मदद करो। असुर जोर जोर से हंसने लगे।
दुर्जनासुर अपने हाथों को खोलता है और उसके हाथों में से एक रस्सी उत्पन्न होती है। रस्सी उस कन्या को बांधनी शुरू होती है, पर ये क्या, जैसे जैसे रस्सी उस कन्या को बांधती वैसे वैसे रस्सी गायब होती रहती। वो कन्या मुस्कुराने लगी, कन्या घूमती जाती और रस्सी गायब होती जाती। सब आश्चर्यचकित थे। दुर्जनासुर और बाकी सभी असुर भी हैरान रह गए। रस्सी बंधने के पश्चात गायब हो रही थी। अरे तुम तो मुझे बांध ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारी रस्सी कहाँ है? कौन हो? जरूर तुम कोई मायावी कन्या हो, आज तो मैं तुम्हें बंदी बनाकर ही रहूंगा। दुर्जनासुर क्रोध से बौखला गया। वो उस कन्या को पकड़ने के लिए दौड़ा। इस कन्या को पकड़ लो और बंदी बना लो। तुम मुझे बंदी नहीं बना सकते दुर्जनासुर। राजा भानुप्रताप, रानी सुनंदा समझ गए थे कि साक्षात माँ दुर्गा उन असुरों का संहार करने के लिए प्रकट हुई हैं। कन्या आगे आगे दौड़ रही थी और असुर उस कन्या के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। असुर थककर हार गए, परंतु वे उस कन्या को बंदी नहीं बना सके। अंत में दुर्जनासुर को क्रोध आ गया, उस कन्या पर अपने मायावी अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार करने लगा। ये देखकर माँ दुर्गा अपने साक्षात रूप में आ जाती हैं और दुर्जनासुर के साथ साथ सभी असुरों का संहार कर देती हैं। राजा भानुप्रताप, रानी सुनंदा और त्रिलोकपुर के सभी नगरवासी माँ दुर्गा की जय जयकार करते हैं। माँ दुर्गा सभी भक्तों को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती है। उसके पश्चात राजा भानुप्रताप और रानी सुनंदा सब भक्तों के साथ मिलकर सुखपूर्वक जागरण को संपन्न करते हैं। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उस दिन के बाद त्रिलोकपुर नगर में कभी भी कोई संकट नहीं आया। हरिया के पास लच्छू नाम की एक बहुत ही सुंदर और हृष्टपुष्ट गाय थी। हरिया अपनी गाय की बहुत देखभाल करता था। हरिया की पत्नी यशोदा भी लच्छू का बहुत ध्यान रखती थी। हरिया रोजाना माँ दुर्गा के मंदिर जाता तो लच्छू भी हरिया के साथ ही जाती थी। जब तक हरिया मंदिर में पूजा करता, तब तक उसकी गाय लच्छू मंदिर के आसपास बने खेतों में हरी घास खाती और मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती और खूब जोर जोर से आवाज करती, मानो वो भी मंदिर में आए भक्तों के साथ माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगा रही हो। हरिया, तुमने अपनी गाय को बहुत ही अच्छी आदत सिखाई है। लच्छू भी तुम्हारे साथ साथ माँ दुर्गा के नाम का जाप करती है, हरी हरी घास खाकर कितनी खुश हो रही है। वैसे इसे संपूर्ण आहार देते रहा करो, क्योंकि एक गर्भवती गाय को पौष्टिक आहार की बहुत आवश्यकता होती है। जी पंडित जी, अपनी तरफ से तो मैं इसका पूरा ख्याल रखता हूँ। बाकी माँ दुर्गा की कृपा से बस बछड़ा बिना परेशानी के ठीक से हो जाए, अब यही कामना करता हूँ। चिंता मत करो हरिया, माँ दुर्गा की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। जय माता दी, जय माता की पंडित जी। हरिया की गाय जब से गर्भवती हुई थी तब से हरिया उसका पूरा ख्याल रखता था। उसे आसपास घुमाना फिराना, अच्छा पौष्टिक आहार देना, समय समय पर उसे पशु चिकित्सक को दिखाना, वो सब काम अच्छे से कर रहा था। एक दिन हरिया लच्छू को लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे दो अनजान आदमी मिले। उनमें से एक ने हरिया से कहा, राम राम भाई, आप बता सकते हो यहाँ पशु बाजार कहाँ है? हमें अपने लिए एक गाय खरीदनी है। गाँव के किनारे एक सड़क जा रही है, वहीं पर पशु बाजार लगता है। तुम किसी से भी पूछोगे तो वो रास्ता बता देगा। अच्छा, तो तुम भी गाय खरीद कर आ रहे हो? ये गाय गर्भवती दिखाई देती है, बड़ी हृष्ट पुष्ट गाय है। कितने की खरीदी? नहीं नहीं, मैंने इसे खरीदा नहीं है, ये बचपन से ही मेरे साथ रहती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं बेचोगे अपनी गाय? अच्छे दाम देंगे? अनजान लोगों की बात सुनकर हरिया गुस्से में आ जाता है। अरे तुम तो पीछे ही पड़ गए हो, मैंने पशु बाजार का रास्ता बता दिया ना, फिर क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? जाओ भाई, अपने रास्ते जाओ। सोच लो, ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। रातों रात अमीर बन जाओगे। हम बहुत अच्छे दामों में तुम्हारी गाय शहर में बिकवा देंगे। हरिया के साथ लच्छू भी थी, इसलिए वो उन दोनों आदमियों से उलझना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप घर चला गया। अगले दिन हरिया लच्छू को लेकर दुर्गा मंदिर पहुंचा और पूजा करने लगा। हरिया ने रोजाना की तरह लच्छू को मंदिर के सामने खेतों में घास चरने के लिए छोड़ दिया। लच्छू घास खाकर थोड़ी देर में ही वापस लौट आती थी, पर बहुत देर तक वो वापस नहीं लौटी तो हरिया घबरा गया। पंडित जी, आपने लच्छू को कहीं देखा? वो रोजाना मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती है,
मैंने आसपास के खेतों में ढूंढ लिया, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। नहीं हरिया, मैंने तो तुम्हारी गाय को नहीं देखा। मैं तो हवन के लिए किसी के घर गया हुआ था, अभी लौटा हूँ। हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माँ दुर्गा के सामने रोने लगता है। यशोदा को भी ये बात पता चलती है तो वो भी दौड़ी दौड़ी मंदिर आती है। दोनों मिलकर पूरे गांव में अपनी गाय को ढूंढते हैं पर लच्छों का कुछ पता नहीं चलता। सुनो जी, घर चलो, रात होने को आई है, हम कल चलकर पुलिस में खबर कर देंगे। यशोदा, हमारी लच्छो न जाने किस हाल में होगी। हरिया ने पूरी कोशिश कर ली, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी, पर पुलिस भी लच्छो को ढूंढ नहीं पा रही थी। लच्छो को चोरी हुए 3 दिन बीत चुके थे। यशोदा ने देखा हरिया घर पर नहीं है, वो घबरा गई और दौड़ी हुई माँ के मंदिर में गई। उसने देखा हरिया माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने सिर पटक पटक कर रो रहा है। हे माँ, मेरी लच्छो को वापस भेज दो, पता नहीं उसे कौन ले गया। मेरी प्रार्थना सुनो माँ, मैंने अपनी लच्छो को अपनी बच्चे की तरह पाला है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। माँ मेरी प्रार्थना सुनो माँ। सुनो जी, अपने आप को संभालो ना, पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। आपको देवी मैया पर विश्वास है ना? हाँ यशोदा, देवी माँ का ही तो सहारा है, उन्हीं पर मुझे विश्वास है। वो मेरी लच्छो को कुछ नहीं होने देंगी, वो उसकी रक्षा करेंगी। माँ दुर्गा ने देखा कि उनका भक्त अपनी गाय से कितना प्रेम करता है। एक जानवर के प्रति इतना प्रेम और दयालुता देखकर करुणामयी माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति दिखाई और वो लच्छो के सामने प्रकट हुई। माँ दुर्गा ने अपना हाथ उठाया और लच्छो को अद्भुत शक्ति प्रदान की और अंतर ध्यान हो गई। लच्छो जंजीरों से बंधी हुई थी। माँ दुर्गा से प्राप्त शक्ति के कारण लच्छो ने जंजीरों को तोड़ दिया। लच्छो को उन्हीं 2 अनजान आदमियों ने चोरी किया था जो हरिया से उसे बेचने के लिए कह रहे थे। लच्छो की जंजीरें खुली देख वे दोनों आदमी उसे पकड़ने लगे। तभी लच्छो उन दोनों आदमियों को मारने लगी। वे दोनों उससे बचने की कोशिश में भागने लगे। लच्छो उनके पीछे दौड़ पड़ी। अरे 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 अरे, कोई बचाओ भाई, अरे अरे ये गाय हमें मार देगी। अरे अरे, इस रास्ते पर कहाँ भाग रहा है, यहाँ तो पुलिस चौकी है। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, पुलिस के हवाले होकर कुछ समय जेल में बिता लेंगे भैया, पर कम से कम इस गाय के हाथों मरने से तो बच जाएंगे। अरे अरे, चल 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 पुलिस चौकी में, जल्दी चल, वो गाय हमारे पीछे आ रही है, चल चल। दोनों आदमी घबराए हुए पुलिस चौकी में घुस जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमें बचा लो, वो गाय हमें मार देगी। अरे कौन सी गाय, मुझे पूरी बात बताओ। दोनों आदमी डर कर इंस्पेक्टर को सच्चाई उगल देते हैं। गाय पुलिस चौकी के बाहर ही खड़ी थी। अरे हवलदार, हरिया की भी गाय चोरी हुई थी ना, अरे वो गाय कहाँ चली गई? अरे जल्दी से उसका पीछा करो। पुलिस लच्छो के पीछे पीछे जाती है। लच्छो तो मंदिर का रास्ता जानती थी, वो दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों के सामने जाकर आवाज लगाने लगती है। हरिया उसकी आवाज सुनता है तो खुशी से फूला नहीं समाता। यशोदा, ये तो हमारी लच्छो की आवाज है। हे देवी मैया, आपने मेरी लच्छो को वापस बुला लिया, आपकी जय हो माँ। हरिया, तुम्हारी गाय बहुत समझदार है, ये खुद ही तुम्हारे पास लौट आई, चोरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हरिया को सारी घटना का पता चलता है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सारा चमत्कार माँ दुर्गा ने ही किया है। हरिया और यशोदा लच्छो को खूब प्यार करते हैं। लच्छो भी अपने घर लौट आई थी, इसलिए वो खुशी से आवाजें निकाल रही थी, मानो वो भी माँ दुर्गा को धन्यवाद कह रही हो। रुको मेरे भक्त, अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है तो करें ये 2 उपाय। अगर आप माँ लक्ष्मी को सच्चे दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, सुबह बिस्तर से उठने के बाद स्नान करके माँ लक्ष्मी का आरती करना है, जिससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। नंबर 2, चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें, इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी।